हम लोग आज आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स चालू करने जा रहे हैं। ये क्लास हम लोग का है जो 10 क्लास का बच्चे लोग कर सकते हैं, 11th का बच्चा कर सकता है और 12th का भी बच्चा कर सकता है। इसको हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स अगर जो कोई बच्चा ना भी कुछ जानता होगा, 10 क्लास तक पढ़ा होगा तो आराम से कर सकता है। और अगर जो कोई बच्चे सीबीएसई के हैं जो 10 क्लास में गए हैं तो भी मेरे क्लास को वो आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि हम लोग क्या करने वाले हैं मैथमेटिक्स में, कौन सा बुक को फॉलो करने वाले हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कि अगर जो एडवांस का प्रिपरेशन आपको करना है तो एडवांस के लिए बेटा आपको सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई ना कोई तुमको टेक्स्ट बुक बनाना होगा। ऐसा सोचोगे कि कोटा जाके दिल्ली जाके हम असाइनमेंट बना के आईआईटी कंप्लीट कर लें तो ऐसा होता होता नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है आपको कोई ना कोई टेक्स्ट बुक सॉल्व करना होगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मार्केट का सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक है उसको सॉल्व करवाने का आपको प्रयास करेंगे। और हम लोग जो बुक फॉलो करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री में दो दो बुक आप कर सकते हो। मैं करवाऊंगा डॉक्टर केसी सिन्हा का टेक्स्ट बुक और आप लोग कर सकते हो एस एल लोनी का भी। और हम लोग क्वाड्रेंट ज्योमेट्री करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा का, कैलकुलस करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा का, बट अलजेब्रा करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा प्लस एलिहंट का, जो कि बहुत अच्छा बुक है। उसका मार्केट में बहुत अच्छा मतलब है, बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर थ्रीडी करेंगे डॉक्टर केसी सिन्हा को। और अलजेब्रा तो मैंने बताया कि आपको डॉक्टर केसी सिन्हा का मैं करूँगा, कैलकुलस भी मैं डॉक्टर केसी सिन्हा का करूँगा, और फिर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग ये सब है जो मैं अलग से पढ़ाऊँगा एलपीपी। और सबसे पहले जो मैं काम करूँगा जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने का काम करूँगा, ट्रिगोनोमेट्री मैं पूरा अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। और आज मेरा स्टार्टिंग क्लास है इसीलिए मैं आप लोग को कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बताते हैं क्या होता है नंबर। हम लोग क्लास को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब जीरो लेवल से कैसे हम लोग जीरो लेवल से आगे तक बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आज जीरो के बारे में बताऊंगा आप लोग को, नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बताऊंगा। और कल से मैं ट्रिगोनोमेट्री के लिए चाहे वो हो जाए पाइथागोरस थ्योरम हो जाए या तो तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाए, फिर ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स रूल बताऊंगा ताकि जो 10th क्लास के बच्चे हैं ना भी 10th क्लास में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि 10th क्लास को लेकर चलें और 10th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट और एपी को मैं लेकर चलूंगा। और बाकी सारा टॉपिक आप लोगों को खुद से करना होगा, उसके बाद मैं इससे इसके आगे से करूंगा। और सबसे पहले बेटा आज आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में, थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। यहीं से मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होगा हम लोग का, यहीं से फिजिक्स भी स्टार्ट होता है हम लोग का, इसीलिए थोड़ा सा बेसिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखो सबसे पहले बेटा हम आज पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग आप लोग को बताने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम में मैं काम करूंगा नंबर के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बेटा चर्चा करते हैं नेचुरल नंबर का। सबसे पहले हम लोग सीधा चर्चा करते हैं नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर होता क्या है? तो नेचुरल नंबर होता क्या है, हम लोग बोलते हैं गिनती के संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स को। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सचमुच में काउंटिंग होता कहां से? तो काउंटिंग हम लोग को स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर को समझते हैं। तो नेचुरल नंबर होता क्या? 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। सारा जो गिनती का संख्या होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। फिर नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर का बारी। होल नंबर किसको बोलते हैं? जो देखो होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर किसे बोलते हैं? तो बोलता है ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर तो सारा को लेना बेटा, ऑल काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को लेके चलना हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, और इसके आगे
एक चीज को ऐड करना वो क्या होगा जीरो। तो हम लोग कह सकते हैं ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, जीरो के साथ लेकर सारा जो गिनती का संख्या है उसको हम लोग अगर जीरो को कंसीडर करके चले तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं होल नंबर। तो पूछे कि होल नंबर किसको बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, जीरो के साथ अगर जो सारा गिनती का संख्या आ जाएगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं होल नंबर। अब हम लोग चर्चा करते हैं होल नंबर के बाद, होल नंबर के बाद हम लोग चर्चा करते हैं इंटीजर का। किसका चर्चा करते हैं हम लोग, इंटीजर, इंटीजर का चर्चा करते हैं। ये सब बेसिक है, थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्लास को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसीलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूं। अब इंटीजर क्या होता है, तो इंटीजर क्या होता है जो हम लोग समझे तो क्या बोलता है, नेचुरल नंबर और होल नंबर। इसके साथ एक चीज और होना चाहिए, इसके साथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर। तो कह सकते हैं ऑल होल नंबर टुगेदर विद ऑल नेगेटिव नंबर। देखो मैं जीरो ले लिया तो जीरो, जीरो के बाद क्या प्लस वन और माइनस वन। कोई पूछेगा प्लस वन कैसा इंटीजर है तो बोलेगा पॉजिटिव इंटीजर, कोई पूछेगा माइनस वन कैसा इंटीजर है तो क्या बोलेंगे नेगेटिव इंटीजर। अब बोलेंगे प्लस माइनस टू को बोल रहा तो प्लस माइनस टू को पूछेगा प्लस टू कैसा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, माइनस टू नेगेटिव इंटीजर। तो जीरो भी इंटीजर है, प्लस वन भी इंटीजर है, माइनस वन भी इंटीजर है, प्लस टू भी इंटीजर है और माइनस टू भी इंटीजर है, बट प्लस वन पॉजिटिव इंटीजर है, माइनस वन नेगेटिव इंटीजर है। थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस थ्री, इस तरह से प्लस थ्री है जो पॉजिटिव इंटीजर है और माइनस थ्री है जो नेगेटिव इंटीजर है। थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता दूं, नेगेटिव नंबर जो होता है एक्चुअली में रियल नंबर नहीं होता। नॉलेज के लिए, नेगेटिव नंबर जो होता है रियल नंबर नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर होता है। आगे हम लोग जब अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तो उसमें आपको हम इसका डिटेल बताएंगे। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग को जानकारी दिए थे इलर्स, इलर्स जानकारी दिए थे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, इसको बोलते हैं क्या आयोटा, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। नेगेटिव नंबर के बारे में सबसे पहले जानकारी जो हम लोग को मैथमेटिशियन दिया था उसका नाम था इलर्स। आप लोग ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करोगे या एमएससी करोगे तो इलर्स का बहुत अच्छा अच्छा थ्योरम हम लोग को पढ़ना है, आगे जाके हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। और हम लोग बेटा सबसे बड़ा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखेंगे, आईआईटी से लेवल को थोड़ा सा ऊपर रखो तो फिर हम लोग को आईआईटी का काम हो जाएगा। मेहनत करेंगे, हम भी करेंगे, आप लोग भी करो, पक्का होगा। और हम लोग क्या समझ रहे थे इंटीजर के बारे में। अब देखो बेटा प्लस माइनस फोर को बोले तो प्लस फोर पॉजिटिव इंटीजर है तो माइनस फोर क्या है नेगेटिव इंटीजर है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। जब तक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे हम लोग इंटीजर को तो हम लोग को कोई भी चीज समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को जानना है जीरो के बारे में। यहीं से मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होता है और यहीं से फिजिक्स भी स्टार्ट होता है, इसीलिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को स्टार्ट किया है। देखो अभी समझना है, अभी नोट वोट कुछ नहीं करना है, नोट करने के लिए जब होगा मैं बता दूंगा क्या नोट करना है, बस बेसिक क्लास है। हाँ कल से आप लोग नोट भी कर सकते हो क्योंकि कल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी है जो मैं आप लोग को बताने का काम करूंगा। अब देखो सबसे पहले मैं नंबर सिस्टम पे सारे नंबर को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता हूँ। अब लेट कर लो, ये एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन, इसको मैंने नाम दिया माइनस इन्फिनिटी। इसके बारे में मैं अभी नहीं जानता हूँ कि ये सचमुच में इन्फिनिटी है क्या, इसी के बारे में जानकारी लेना मेरे को। अब ये तुम्हारा बेटा क्या है प्लस इन्फिनिटी, ओके, और यहाँ पे मैं क्या लिया हूँ जीरो, और जीरो के राइट साइड, जीरो के राइट साइड क्या है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डॉट डॉट डॉट। अब जीरो के लेफ्ट साइड देखो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर डॉट डॉट डॉट। अब देखना हम लोग फिजिक्स में नाइन टेंथ में पढ़े हैं कि देखो नेगेटिव नंबर एक्चुअली होता नहीं, नेगेटिव नंबर इमेजिनरी है। अब हम लोग बात को समझेंगे तो नेगेटिव को लिखेगा ऐसा, तो जीरो के राइट में मूव कर रहा हूं, जीरो के राइट, जीरो के राइट, जीरो से राइट, अगर जो मैं यहां से राइट जा रहा हूं तो लेफ्ट का साइड होगा जो क्या होगा नेगेटिव होगा, अगर जो मैं लेफ्ट जाऊंगा तो राइट क्या होगा
नेगेटिव होगा। अगर जो ऐसा लेट कर लो, जैसे लेट कर लो हम लोग हिंसा में है और हिंसा में है और पटना गए, अब पटना जाकर हम लोग इस्लामपुर के बारे में सोचते हैं, तो उस टाइम इंटरवल में तुम्हारा इस्लामपुर क्या हो गया? नेगेटिव। नेगेटिव एक्चुअली होता नहीं है, ये इमेजिन करने का चीज है, ये सोचने का चीज है। अब जैसे लेट कर लो मैंने किसी को 10 रुपया दिया है, मैंने किसी को 10 रुपया दिया और फिर उससे मैं 15 रुपया ले लिया, अब 10 रुपीज दिया या 50 रुपीज लिए है, तो वो बोला कि मेरे को सर माइनस 5 रुपया पहुंचा दिए, तो भाई माइनस है किसके पास? नहीं तो मेरे पास है, नहीं तो तेरे पास है। बस तुम ये कल्पना कर रहे हो कि सर ने मेरा 5 रुपया लिया, मैं नेगेटिव में चला गया, लेकिन नेगेटिव आखिर है किसके पास? मेरे पास तो नहीं है, नहीं तो तेरे पास है, तेरे से तो मैंने लिया, तो कैसे होगा? तो नेगेटिव नंबर है जो क्या होता है, इमेजिन करने का चीज है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर इमेजिनरी नंबर है। तो एक चीज याद रखना, ऐसा कभी नहीं होता भाई कि जीरो के राइट पॉजिटिव हमेशा होगा, लेफ्ट नेगेटिव हो, नहीं। अगर जो जीरो से लेफ्ट तुम जाओगे तो राइट नेगेटिव हो जाएगा। बट हम लोग मैथमेटिक्स में जनरली एक्सिस 3 मानते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं? एक डायरेक्शन। एक्सिस का मतलब होता है एक डायरेक्शन, डायरेक्शन बोलो डायमेंशन बोलो सेम चीज है। अब देखो यहां से मैं मूव कर रहा हूं दिस, अगर जो ऐसे मूव करूंगा तो क्या हुआ? एक डायमेंशन हुआ। अगर जो ऐसे मूव करूंगा तो टू डायमेंशन हुआ। ये क्या हुआ? टू डायमेंशन हुआ। इसको हम लोग फिजिक्स में या मैथ में कोऑर्डिनेट में एक्स बोलते हैं, ऐसो क्या बोलते हैं? वाई बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सीसा, ऐसो क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इसको एफ सीसा बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेट। यहां से हम लोग अगर जो नीचे जाए तो फिर तुम्हारा ये क्या हो गया? नेगेटिव वाई। अगर जो इसको इधर जाए तो क्या हो गया? नेगेटिव एक्स। अब यही वाला बात हम लोग ऐसा रेफरेंस हम लोग मान लिया, जीरो को क्या माने हम लोग? रेफरेंस मान लिया। और ऐसा सोचते हैं कि जीरो के राइट पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट क्या होगा? नेगेटिव। अगर जीरो का एबव पॉजिटिव होगा तो बिलो क्या होगा? नेगेटिव। और बात करते हैं जेड एक्सिस का, तो जेड एक्सिस को समझना पड़ता है, 2D फिगर है, तो 3D फिगर तो बनाया नहीं जा सकता बट इसको समझा जा सकता। देखो ये हुआ एक डायरेक्शन, ये हुआ तेरा दूसरा डायरेक्शन और ये हुआ तेरा तीसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन 3 होता है जनरली और तीनों का एक अपोजिट डायरेक्शन, मतलब 3 और 3 क्या 6। अगर जो जीरो से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, जीरो से अबव जाएंगे तो पॉजिटिव, बिलो जाएंगे तो नेगेटिव। अब हम लोग को ये समझना, ये मेरे को मालूम है क्या होता है पॉजिटिव क्या होता है नेगेटिव, हम लोग ने इसको माना है क्या? रेफरेंस। अब हम लोग बात समझते हैं बेटा, अभी हम लोग मैथ का काम कर रहे थे तो देखो मैथ में ये क्या हो गया, ये क्या है? यहां से जीरो से राइट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। तुम्हारा जीरो से राइट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो से लेफ्ट क्या है तुम्हारा? नेगेटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर, ये नेगेटिव इंटीजर। अब तुम लोग बोलोगे कि सर जी तो ये क्या है? सर जीरो क्या है? जीरो से राइट पॉजिटिव इंटीजर। कोई पूछेगा 1 कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। कोई पूछेगा -1 कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। कोई पूछेगा -4 कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर। कोई पूछेगा -5 कैसा इंटीजर है? नेगेटिव इंटीजर है। अब कोई बोलेगा तुमको क्या कि सर तो जीरो कैसा है? जीरो क्या है सर? जीरो मैंने कहा आप चर्चा कर रहे हैं, तो देखो बताते हैं, जीरो बेटा नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। कैसा इंटीजर है? नॉन पॉजिटिव। पॉजिटिव तो नहीं है भाई। अब कोई बोलेगा तुमको कि जीरो और क्या है सर? तो जीरो बेटा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नहीं तो ये पॉजिटिव है और नहीं तो ये नेगेटिव है। नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और ये सब पॉजिटिव इंटीजर और ये तुम्हारा क्या हो गया? नेगेटिव इंटीजर। अगर मैं जीरो के अबव जाता तो पॉजिटिव इंटीजर होता और जीरो के बिलो क्या हो गया? तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव तब बोला कि सर ये क्या? जीरो तो जीरो नॉन पॉजिटिव। और एक बात और बेटा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव है। अब सवाल उठता है तो सर है क्या? ना तो पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव है। जीरो नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो देखो जीरो नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर बेटा, तो सचमुच में है क्या? सचमुच में है क्या? तो हम लोग मानते हैं क्या इसको? रेफरेंस। क्या मानते हैं? रेफरेंस। ये क्या है? रेफरेंस। ये समझ में नहीं आ रहा होगा, एक बढ़ाव मैं देता हूं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको क्या बोलते हैं? या तो रेफरेंस बोल सकते हो या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल सकते हो। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी तुमको समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक वर्ड से और मैं जानता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये तुम लोग समझे होगे,
अगर ये नहीं समझा तो एक वर्ड मैं इसको और नाम दे रहा हूं, इसका एक और वर्ड क्या नाम दे रहा हूं, ऑरिजिन। ये समझ में आ गया होगा। अब रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि भाई जहां से तुम चलना स्टार्ट कर रहे हो, अब तेरा घर एक तरह से क्या हुआ, रेफरेंस हो गया। अब तेरे से कोई पूछे कि प्रज्ञा क्लासेस या स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स कहाँ है, तो बोलेगा चिक्सौरा रोड में। अब तेरा घर से हो सकता है शिवम का घर से 500 मीटर का डिस्टेंस हो, अनिकेत का नाम अनिकेत का घर से 300 मीटर का डिस्टेंस हो। अब भाई तो शिवम के रिस्पेक्ट में प्रज्ञा क्लासेस या स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स हम लोग का कोचिंग का नाम है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, और भविष्य में पता है कि टॉप होने वाला है, रंग तो संकेत नहीं है, है ना जी। कोनो टेंशन नहीं भाई, हम एकदम जम के पढ़ाएंगे, फुल ऑफ मस्ती करो ना, मस्ती करो, मस्ती मैथ मस्ती है समझो, गणित को हम लोग एंजॉय करेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे, एकदम दबाव के पढ़ो भाई तब मजा आएगा, है ना। तो कहता है क्या कि ये क्या है, नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही तो ये नेगेटिव है, तो है क्या रेफरेंस, है क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है क्या स्टार्टिंग पॉइंट, है क्या ओरिजिन। बोले सर पांच पांच नाम बोल दिए महाराज कि पांच को है कोई चीज, तब पांचों सेम चीज है। जैसे लेट कर लो तुम्हारा घर, तुम्हारा घर क्या हुआ ओरिजिन। अब लेट कर लो एक मेरी दीदी है उसका नाम क्या है खुशी। अब खुशी है, खुशी का घर से पटना 40 किलोमीटर, मेरा दीदी का घर से पटना कितना किलोमीटर है बेटा 40 किलोमीटर है, बट मेरा घर से ना मेरा घर से पटना 50 किलोमीटर है। तो दीदी का रेफरेंस कहाँ हुआ, दीदी का रेफरेंस जैसे लोहांडा घर है उसका घर जो, तो दीदी का रेफरेंस लोहांडा हुआ, मेरा रेफरेंस क्या हुआ जयतीपुर हुआ, और सत्यम का रेफरेंस क्या हुआ हिलसा हुआ। तो सत्यम के रिस्पेक्ट में 45 किलोमीटर है पटना, दीदी के रिस्पेक्ट में 40 किलोमीटर है पटना, और क्या रोशन कुमार के रिस्पेक्ट में कितना किलोमीटर है पटना 50 किलोमीटर है पटना। तो इस तरह से रेफरेंस चेंज हो सकता है, जिसको बोलते हैं जीरो, जीरो चेंज हो सकता है। हो सकता है दीदी का घर मेरे रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, सत्यम के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, तो अनिकेत के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव हो सकता है, यही हम लोग को समझना है। तो जीरो नहीं तो पॉजिटिव है नहीं तो नेगेटिव। अब कोई बोलेगा मेरे को कि सर तब पॉजिटिव कहा ना माने महाराज, मान लेते पॉजिटिव, तो भाई देखो ना वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि किसके किसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव है और किसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। अब अनिकेत के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है, रोशन कुमार के रिस्पेक्ट में नेगेटिव है, तो कैसे जीरो को हम नेगेटिव बोलते, कैसे जीरो को हम लोग पॉजिटिव बोलते, तो क्या बोलते हैं ये क्या है रेफरेंस पॉइंट है। रेफरेंस ना समझ में आता भाई तो सिंपल समझो स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से आप चलना स्टार्ट करते हो वो तुम्हारा हो गया ओरिजिन। ओरिजिन बोलो जीरो बोलो, ओरिजिन को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मूल बिंदु, जहां से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करते हैं, जहां से कोई भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं फिजिक्स में, पोजीशन निकालते हैं एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो मेरे को एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। वही रेफरेंस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन या स्टार्टिंग पॉइंट। एक बात और है बेटा, इसमें मैंने लिखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका यूज बहुत ज्यादा फिजिक्स में होता है। अब जैसे लेट कर लो तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर के अंदर एक डाइनिंग रूम होता है, तुम्हारा घर के अंदर एक डाइनिंग रूम होता है, उस डाइनिंग रूम में मम्मी पापा भैया दीदी सारा लोग बैठते हैं और सारा किस्सा कहानी चलने करता है, और किस्सा कहानी कर चलने के बाद सब क्या होते हैं अपना अपना घर में चले जाते हैं। तो मैंने क्या जो डाइनिंग रूम है उसको क्या मान लिया रेफरेंस मान लिया, कि भाई एक तरह एक बार रेफरेंस सब आते हैं फिर सब अपने अपने कमरा में क्या हो जाते हैं चले जाते हैं। तो इस बात को हम लोग समझ लेते हैं कि भाई रेफरेंस क्या है, कि ओरिजिन जो होता है क्या होता है रेफरेंस पॉइंट होता है, और एक तरह से कहो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम मेरा घर हुआ और उस फ्रेम का सेंटर क्या हो गया डाइनिंग रूम हो गया, और फ्रेम का सेंटर क्या हो गया बेटा डाइनिंग रूम हो गया। अब उस फ्रेम का सेंटर अगर जो डाइनिंग रूम है तो भाई डाइनिंग रूम तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट हो गया, वहां पे सारा लोग आते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं फिर सारा को जाते हैं। तो मैंने क्या कर लिया है ओरिजिन के बारे में बेटा समझ गया हूँ, जीरो के बारे में भी समझ गया हूँ कि सच्चों में जीरो कहे नेगेटिव नंबर नहीं है, सच्चों में जीरो कहे पॉजिटिव नहीं है, नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव है क्या स्टार्टिंग पॉइंट, पॉजिटिव भी हो सकता है और किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं।